नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव का मंगलवार को बिगुल बचेगा। मंगलवार को पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि अधिसूचना जारी होनी है मंगलवार को पहले चरण की। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है मंगलवार को। मंगलवार को सबसे पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। 11 चरणों में पंचायत चुनाव इस बार का होना है। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है और आपको बता दें कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाला है। मरगूब हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। मरगूब, पहले चरण की अधिसूचना मंगलवार को जारी होगी, क्या कुछ अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर? यह देखिए, कल राज्य निर्वाचन आयोग पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करेगा जी। और कल जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर के बिगुल फूंक दिया जाएगा। कल जो अधिसूचना जारी होगी वो कह सकते हैं चुनाव पहला जो चरण है वो 24 सितंबर को होगा और 11 चरण में चुनाव संपन्न होगा। पिछले कैबिनेट में राज्य कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दी थी कि 11 चरण में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी कि 11 चरणों में राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। तो कल जैसे ही 10 बजे दिन के आसपास ये अधिसूचना जारी हो रही है, तो जिन इलाकों के लिए कल चुनाव की घोषणा होगी वो नोटिफिकेशन होगा, उसमें जिले का नाम होगा, उसमें इलाकों का नाम होगा और वहां कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसका सीधा मतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुका है और मंगलवार से ये अधिसूचना मंगलवार को जारी हो जाएगी और फिलहाल उसके साथ ही पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा। तो फिलहाल इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। आपको पता होगा कि संक्रमण के कारण समय पर चुनाव नहीं हो पाया था और अब चूंकि संक्रमण का दर बहुत कम हुआ है तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी कैबिनेट में। 11 चरणों में प्रस्ताव चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर कल पहली अधिसूचना जारी होगी और पहले चरण का कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में जी। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश समेत बिहार के 10 नेता शामिल थे। सभी नेताओं ने पीएम मोदी के सामने जातीय जनगणना कराने की मांग रखी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को सुना। इस मामले पर प्रधानमंत्री के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी ने इसे खारिज नहीं किया और हर एक की बात सुनी। तो वहीं तेजस्वी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा है कि यह गरीबों के लिए मददगार साबित होने वाला ऐतिहासिक कदम होगा। मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों की का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, और आकर के आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा, तो ये सारी बातें कही। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका?
तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा है, इसमें कोई ये नहीं है, और उसी अनुसार 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़े। जातीय जनगणना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम मोदी के निर्णय के साथ है, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है, देश तभी बचेगा जब जल्द से जल्द जनसंख्या कानून बनाया जाए। हमारा जो स्टैंड था वो तो लोकसभा में बताया गया है, आज की परिस्थिति कोई नई परिस्थिति तो नहीं बनी है। आज की परिस्थितियों में एक बिहार ने अपना डेलीगेशन भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एनडीए के घटक है और एनडीए के घटक के मुख्यमंत्री के तौर पर वह गए हैं, उनकी अपनी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम लोग पहले से बिहार की स्थिति को देखते हुए और देश की स्थिति को देखते हुए लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस राज्य में और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। हर काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हर गिनती से पहले ये काम हो, उसके बाद जो भी काम हो, जो भी गिनती करना हो, जो भी विकास का काम हो वो बाद में, सबसे पहले अगर धरती बचाना है, राज्य बचाना है, देश बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। हम लोग इसकी आवाज पहले से बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस बात को रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत से वो काफी खुश दिखे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश सिंह ने, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी पटना आए हैं, भव्य स्वागत किया गया। सर, मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूँ और बिहार की जनता ने और खास के कार्यकर्ताओं को जो मैंने उत्साह देखा, मैं कभी सोचा भी नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जो मैं इस पद पर हूँ, इसके लिए खास करके हाजीपुर की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी जवाबदेही मुझको दी गई है, मैं पूरी निष्ठा से बिहार की जनता का सेवा करूंगा और निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग विभाग जो है उसमें नॉर्थ बिहार में, खास करके हमारे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में लीची का खेती होता है, केला का खेती होता है, ये सब खेती है, तो यहाँ हम निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्ट्री लगवाएंगे। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बड़ा विभाग मिला है सर, आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, क्या कुछ एक्शन प्लान है? लगता है कि बिहार में काफ़ी निश्चित रूप से मैंने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आप पूरे बिहार का मैप बनाइए, मैप बना करके हो सकता है कि मैं हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में एक यूनिवर्सिटी भी मैं खुलवा दूँ। लोजपा पे इसे अब लग रहा है कि असली लोजपा आप ही लोग की है, क्योंकि जो ताकत दिख रहा है, असली नकली का कहाँ सवाल है, ओरिजिनल लोजपा तो है ही भाई, 6 सांसद हमारे साथ हैं। मान देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, लोकसभा के मुखिया आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा ये निर्देश जारी हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ कि 6 सांसद के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया, तो फिर लोजपा में फूट कहाँ है? आप कोई अपना अपना डफली अलग बजाता है तो उसको बजाने दीजिए, उससे पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और जनता के पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। आएंगे तो फिर आप लोग ले लेंगे? क्यों ले लेंगे भाई, चलिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पशुपति पारस अपनी ताकत दिखा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं, तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और तमाम कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है। कैमरा राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। हालांकि अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में पशुपति पारस को विरोध का भी सामना करना पड़ा। हाजीपुर के चौरसिया चौक के पास सामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पर चला हुआ मोबाइल फेंक दिया। हालांकि मंत्री जी के शरीर पर मोबाइल नहीं पड़ा, लेकिन उनकी गाड़ी और उनके काफिला पर मोबाइल के छींटे जरूर पड़ गए। तरीके से
बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में किया। इस अवसर पर पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा। पंचायतों में सरकार की योजना का 100% लागू हो, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज का चुनाव है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता को कैसे मदद की जाए इसका ध्यान बीजेपी रखेगी। प्रत्येक पंचायत को इतनी राशि दी है कि अगर 3 पंचायतों का कुल योग बोले तो वह एक विधायक को मिलने वाली राशि के बराबर है, और 5 पंचायतों का योग बोले तो एक सांसद को जो किसी समय में पहले राशि मिलती थी अब तो वो भी नहीं मिलती है, उसके बराबर का विकास केवल एक पंचायत में पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि कर सकते हैं। अब हम लोग हाउस होल्ड को तय कर रहे हैं कि तुरंत सा घर छूट गया, जिस घर को नंदन योजना का काम पूरा नहीं हो पाया, गली नली का काम नहीं पूरा हो पाया, इसका चुनाव के बाद हम लोग सर्वेक्षण कराकर एक एक हाउस होल्ड को तय करेंगे कि पंचायत में एक एक व्यक्ति को नंदन और गली नली योजना का सीधा लाभ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं कक्षा में नामांकन तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में 24 अगस्त तक नामांकन और फॉर्म जमा करना छात्र छात्राओं के लिए संभव नहीं है, इसलिए 1 महीना नामांकन और फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया जाए। बीजेपी विधायक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रेयस सिंह को पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन, ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां श्रेयस सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चलता हासिल होते हैं। स्वागत बढ़ते आगे समस्तीपुर से खबर, जहां लूटपाट के बाद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बचाव में पहुंचे कर्मी को भी गोली मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। सुधा पार्लर में व्यवसायी काम करता था। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी जो है वहाँ पहुँचता है और मतलब काउंटर के अंदर घुस के जो सुनील राय काउंटर पर थे उनको गोली मारता है, और गोली मार के भागने के क्रम में जब ड्राइवर देखता है जो गोली मार दिया और गोली का आवाज़ हुआ तो जब वो पीछा करता है तो पप्पू नाम का जो ड्राइवर था उसको भी गोली मार देता है और बड़ी बुलंदी से अपराधी भागने में सफल। समस्तीपुर जिले के बेथान थाना क्षेत्र के बनभौरा गांव में नाव के किराया के नाम पर मात्र 10 रुपए वसूलने के विवाद में नाव चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को सोमवार की सुबह उस समय गोली मारी गई जब वो अपने घर के समीप सड़क किनारे खड़ा था। मृतक युवक की पहचान बनभौरा गांव निवासी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिकल यादव इन दिनों नाव चलाता था, वह लोगों से किराया लेकर नदी पार कराता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थान थाना क्षेत्र का मामला है। कल नदी पार करने के लिए, करे नदी पार करने के लिए एक नाविक के साथ व्यक्ति का विवाद हुआ था। दोनों आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं। भाड़े को लेकर विवाद हुआ था, तो आज सुबह फिर जब वो मिले फिर पुनः विवाद हुआ उस पर, उसने उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। इसमें नेम्ड FIR किया गया है, जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा FIR किया गया है। जमुई पुलिस ने रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से विस्फोटक, डेटोनेटर, तार और मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम भैरव यादव उर्फ गेहूमन और सुनील यादव बताया जा रहा है। इन लोगों पर पहले बेरंगदारी मांगने और छिनतई करने का आरोप लगा है। SP प्रमोद कुमार मंचल ने बताया कि बीते माह नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, उसी दौरान एक अपराधी ने जमुई झाझा रेल मार्ग पर चौरा रेलवे हॉल्ट पर जाकर स्टेशन मास्टर को स्टेशन उड़ाने की धमकी दी थी और परिचालन बंद करने को कहा था। धमकी मिलने के बाद स्टेशन मास्टर वरीय अधिकारियों को सूचना देकर रेल परिचालन को बंद करवा दिया, जिसके कारण घंटों रेल आवागमन बंद रहा था। स्टेशन को उड़ाएंगे वो तो भी मेरा ही आदमी है, तो हम उड़ाए नहीं थे लेकिन धमकी दे के चल आए थे।
कौन बोला था तुमको उड़ाने के लिए? ये सुनील यादव। सुनील यादव को कौन बोला था उड़ाने के लिए? ये सर पता नहीं, हमको नहीं। एक तो रूट से 10 लाख रुपया लेवी मांगने में जेल जा चुके हैं जो कि हुमन जी है, और दूसरे का भी इतिहास बिल्कुल खंगाल है। किसकी दस्ती में काम कर रहा था? सुरंग यादव। सुरंग यादव जो जेल में है। अररिया पुलिस ने हथियार के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया एसपी हृदयकांत ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अररिया जिले के बीरपुर चौक बथनाहा स्थित एक चाय नाश्ता की दुकान में 3 युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं और उनके पास हथियार भी है, जिसके बाद टीम गठित कर सिविल लिबास में पुलिस ने छापेमारी की तो मौके से 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर अन्य जगह छापेमारी की गई, वहां से भी हथियार के साथ 3 अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया। जो है वहां पर कुछ अपराधकर्मी एक चाय दुकान पर अपराध करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सूचना मिलते ही वहां पर हम लोगों ने एक टीम गठित करके सादलीवास में पुलिस फोर्स को भेज दिया, जिसमें जोगबनी थाना, बथनाहा थाना और नरपतगंज थाना के थाना प्रभारी, अन्य पदाधिकारीगण और सशस्त्र बल शामिल थे। वहाँ पे जैसे ही अपराधकर्मी लोग जुटे, हमारे टीम ने उनको धर दबोचा, 3 लोगों को वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आगे की पूछताछ। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में सरेआम कट्टा लहराने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्टेशन चौक पर एक शख्स कट्टा लहराते हुए लोगों को चैलेंज कर रहा था, किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। समस्तीपुर के रोसरा के हथौड़ी थाना क्षेत्र के मेघपट्टी गांव के पास रोसरा हथौड़ी मार्ग पर तेज गति से जा रही बाइक ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चा पेड़ से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव वालों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पटना हाईकोर्ट के राज्य में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई प्रारंभिक परिणाम को संशोधित करने का निर्देश के मद्देनजर बीपीएससी ने मंगलवार को होने वाले आदेश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को संशोधित कर रिजल्ट को प्रकाशित करें। कोर्ट ने विज्ञापन में दिए गए प्रावधान के अनुसार उम्मीदवारों को सफल घोषित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम संशोधन करने का निर्देश बीपीएससी को दिया। गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अंक के आधार पर प्रकाशित परिणाम पर कल से मुख्य परीक्षा लेने का कार्यक्रम था। पटना एम्स ने कोरोना की वजह से बंद पड़े इमरजेंसी व्यवस्था को पूर्णतः बहाल करते हुए मरीजों के लिए खोल दिया है। कोविड काल में पहले यहां कोविड मरीज के लिए यह व्यवस्था थी, लेकिन अब एक्सीडेंट और नाजुक मरीजों को भी एडमिट करके इलाज करना शुरू हो चुका है। एम्स में इमरजेंसी सेवा चालू होते ही मरीज भी यहां पहुंचने लगे हैं। सुपौल जिले के उत्पाद विभाग को 10 अगस्त से पेट्रोल पंप द्वारा तेल देना बंद कर दिया गया, जिसके चलते उस दिन से शराबबंदी को लेकर छापेमारी अभियान बंद है। बताया गया कि जिस पेट्रोल पंप से उत्पाद विभाग को छापेमारी वाहन के लिए तेल दिया जा रहा था, उस पेट्रोल पंप का उत्पाद विभाग पर करीब 5,85,000 रुपये बकाया हो गया है। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने एक लेटर उत्पाद विभाग को थमाया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा वो तेल देने में असमर्थ है। तो आवंटन का अभाव में तो हम यही बात सुनते सुनते आए, 3-4 महीना से इंतजार कर रहे हैं पेमेंट का। पेमेंट बहुत डिले हो गया, 5-6 लाख का समथिंग पेमेंट हो गया, तो जो संभव है वही दे पाएंगे। आओ तो अब संभव से बाहर हो रहा है, इसलिए मैंने आवेदन देके बंद कर दिया कि सर भुगतान किया जाए, भुगतान के बाद हम पुनः आपको डीजल। बगहा में यूरिया की किल्लत के कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। यूरिया की खरीदारी करने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर सुबह से शाम तक लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, उसके बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया की खरीदारी करने के लिए किसान सुबह से ही दुकानों पर पहुंचने लगते हैं, जहां 3 से 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद खाद की दुकानें खुलती हैं। धान खराब होता है, रामनगर लाइन में लगने के बाद भी हमने की यूरिया ना मिले आवंटन हमारा है, उस हिसाब से आवंटन नहीं आ पा रहा है। आवंटन जितना आवंटन चाहिए उतना आवंटन नहीं है आ पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो आश्वासन मिला है, ऊपर बड़े पदाधिकारी से भी आश्वासन मिला है कि रेक पॉइंट अभी लगने वाला है, इस कमी को जल्दी हम लोग दूर।
बिहार शिक्षक नियोजन के छठे चरण की घोषणा। आवेदन प्राप्ति की अवधि 17 सितंबर तक होगी। मेधा सूची का प्रकाशन 8 अक्टूबर को होगा। सूची पर आपत्ति 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर शिक्षक नियोजन को लेकर के, आवेदन प्राप्ति की अवधि 17 सितंबर तक होगी। मेधा सूची का प्रकाशन 8 अक्टूबर को होगा। बढ़ता है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा समय हो, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर जिला स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। खगड़िया में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कांग्रेस नेता ऐसे नेताओं के घर जा रहे हैं जिनके पूर्वज कांग्रेसी थे या जो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हो। ऐसे नेताओं को पार्टी में दोबारा लाया जा रहा है। यह अभियान सदर विधायक छत्रपति यादव और सभाध्यक्ष गुड्डू पासवान की अगुवाई में गोगरी प्रखंड से शुरू की गई है। नाराज चल रहे अखिलेश कुमार विद्यार्थी सहित दर्जनों नेताओं को दोबारा कांग्रेस से जोड़ा गया है और उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कि पार्टी से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता उस पद पर हैं, उनको भी हम समझने के लिए उनके घर पर जाएंगे। किन कारणों से दुखी है, आर्थिक परेशानी है, राजनीतिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, ये सारे चीजें अवलोकन करने के बाद उनके मन में जो भय और आतंक बैठा हुआ है उनको निकालने का प्रयास करेंगे। और 2024 लोकसभा की तैयारी में हम जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर सरकार हमारा कांग्रेस गठबंधन में रहे अथवा अकेले रहे, दोनों तैयारी हम रहेंगे। गठबंधन में जितनी सीट मिलेगा उतना हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। अकेले भी लड़ेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे खड़िया इस बार कांग्रेस की कोटा में जाए, ये आला काम। पटना सिटी क्षेत्र के बाईपास थाना क्षेत्र के केशव सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में प्रांतीय शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस कार्यशाला में अलग अलग जिलों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय कार्यशाला का पहला दिन शुभारंभ किया गया। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इसका शुभारंभ किया है। इस कार्यशाला का शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 चमका टोला में खेत घूमने गए मां बेटी की नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि खेत घूमने क्रम में युवती का पैर फिसल गया, बचाने क्रम में मां भी डूब गई। काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों ने मां के शव को नदी से निकाला, जबकि बेटी का शव अब तक नहीं मिला है। मैं हुआ था शिवराजपुर में, नदी किनारे हमारा खेत, वो खेत देखने के लिए गए हुए थे तो मेरे बच्ची का पैर फिसल गया। अब बच्ची को बचाने के लिए गए तो उसी में हम लोग भी चले गए, तो मेरी बच्ची और वो मेरी बेटी वो अंदर चले गए। बड़ी मुश्किल से मेरा वो बनियान पड़ गया, तो एक राड़ी मिला था उसको पकड़ के फिर मैं बच गया। खगड़िया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ बाराशिर में रह रही काजल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बच्चा और चचा पूरी तरह स्वस्थ है। खुशी की खबर यह, जैसे ही आसपास के इलाके में फैली नवजात की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जन्मोत्सव भी इस दौरान मनाया गया। गंगा नदी के अंदर अवस्थित गांव है, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर रुके हुए थे। इसी में ही इस दुखद वेला के समय सुखद समाचार के हम लोग को प्राप्त हुए। वो चक्का स्थित राहत शिविर में काजल कुमारी नामक महिला, उनका उनको प्रसव पीड़ा हुई और उनको निकटवर्ती PHC पर्वत्ता ले जाया गया, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के माध्यम से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया है, उसमें ऐसा प्रावधानित किया गया है कि राहत शिविर में यदि किसी पुत्र या पुत्री की जन्म होता तो वैसे किसी। गोपालगंज में एक बार फिर कशिश न्यूज की खबर का असर हुआ है। मेरगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में बने अवस्थित जल मीनार पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद के अधिकारी हरकत में आए हैं। मेरगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 5 में बने जल मीनार के कैंपस में गत कई सालों से कूड़ा फेंकने और कूड़ा डंप करने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जिसकी वजह से उसके आसपास के रहने वाले दलित बस्ती के लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। कशिश न्यूज द्वारा खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के अंदर नगर परिषद मेरगंज के द्वारा उस जगह को सफाई कर्मियों को लगा कर पूरी तरह से साफ सफाई की गई है। काम अच्छा हो रहा है, जो भी है सफाई होने से भी सारा साफ सुहा भी काम लगाया हुआ है। सफाई होने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा, इसलिए कचरा था यहाँ पे, लोग रह नहीं पा रहे थे, लोग बैठ नहीं पा रहे थे। अब तो सबके लिए
अच्छा हो रहा है और सफाई कर्मचारी भी जुटे हुए हैं साहब के लेकर, सब भी लोग कर रहे हैं। अभी देखिए काम ही लगा, इसमें करोड़ों का लागत से कचरा था ये सब, न इसमें सप्लाई था न कुछ है, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे चलूंगा आप जो कसी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।